शिवपुरी शहर के पीएस होटल के पास से कल रात्रि करीबन 10:30 बजे अज्ञात फोर व्हीलर वाहन ने रोड के किनारे खड़े व्यक्ति में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोशी की अवस्था में पड़ा मिला। जैसे ही ये खबर यातायात थाना सूबेदार प्रियंका को लगी तो अपने थाने से आरक्षकों के साथ गंभीर की रक्षा करने पहुंच गई। घायल व्यक्ति का नाम कालीचरण धाकड़ बताया जा रहा है। कालीचरण धाकड़ शिवपुरी जिले के रामपुरा का रहने वाला है। वहीं सूबेदार प्रियंका के साथ यातायात प्रधान रवि कुमार और प्रधान आरक्षक संतोष भार्गव ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर जी, अभी कुछ मामला आया? क्या कुछ मामला आया? ये पीएस के आस पास में हम जाम लटवाने जा रहे थे गुबत गाड़ी पर। रास्ते में प्रियंका मैडम थी, सूबेदार और संतोष दीवान जी और मैं जाम हटवाने जा रहे थे। रास्ते में ही डला था, हमने देखा तो शराब पी के तो डला, देखा तो उसका पैर में चोट थी ज़्यादा, घुटना फट गया था। फिर क्या किया आपने उसके साथ? बाइक फिर उसको उठा के तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती करके हम जाम निकलवाने चले गए। अब कैसी क्या हालत बनी हुई है? अभी तो हम उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा के, उसकी कोई शादी आ गई थी घर वाले, उनको साथ में छोड़ के भर्ती करवा के, इलाज शुरू हो गया था उसका, अभी तक अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।